नमस्कार दोस्तों ई एम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम इंटरेंसिक इम्पिडेंस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे तो इंट्रेंसिक इम्पीडेंस होता क्या है इट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ मीडियम वेयर वेव इज ट्रेवलिंग सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जहाँ ई एम वेव किसी भी एक मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो वो मीडियम उन वेव्स के लिए एक अपोजिशन प्रोवाइड करेगा वही अपोजिशन आपकी इंटेंसिक इम्पिडेंस कहलाती है तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो जो रेशियो है वो है आपकी ई अपॉन एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो इंट्रेंसिक इम्पिडेंस है इसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा इज इक्वल टू ई अपॉन एच ई का यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है एच का यूनिट अम्पीयर पर मीटर होता है तो ईटा का यूनिट क्या होगा दिस इज़ वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाई एम्पीयर पर मीटर मीटर से मीटर कैंसिल यहाँ बनेगा वोल्ट अपॉन अम्पीयर एंड दैट इज़ नथिंग बट ओम तो जो इंट्रेंसिक इम्पिडेंस है इसका यूनिट ओम होता है ये आप ध्यान रखना अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे जो ईटा है ये हमेशा होता है ई नोट अपॉन एच नोट या ई अपॉन एच ठीक है एंड दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट जे ओमेगा एंड म्यू म्यू क्या है आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एपसाइलन एप्साइलन है आपका परमीएबिलिटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अब यहाँ पे अगर आपका मीडियम लोसी मीडियम है तो क्या कंसिडरेशन होगी तो लोसी मीडियम अगर होगा तो उस मीडियम में कंडक्टिविटी आपकी बहुत कम होगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा मल्टीप्लाई एप्साइलन राइट अगर ये कंडीशन आप यहाँ इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से आप सिग्मा <coughs> जे ओमेगा एप्साइलन आप कॉमन ले लें तो दिस इज ईटा इज इक्वल टू अंडर द रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एप्स आप कॉमन ले लें जे ओमेगा एप्स अंदर क्या बचेगा यहाँ से वन बचेगा प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्स ये आपके पास एक्सप्रेशन होगा और अगर आप यहाँ देखें तो जे ओमेगा जे ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू value, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल हो जाएगी और नोमिनेटर बन जाएगा बाप का ईटा इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू अपॉन एब्साइलन दिस इज म्यू अपॉन एब्साइलन और जो नीचे है ये बनेगा वन प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्साइलन अंडर द रूट है तो इसकी पावर वन बाई टू लिख सकते हैं सो दिस इज़ वन प्लस सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्साइलिन और होल की पावर वन अपॉन टू ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे हम चाहते हैं कि जो ईटा है इंट्रेंसिक इंपिडेंस इसका मैग्नीट्यूड क्या हो और इसका फेज एंगल क्या हो तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड तो जो मैग्नीट्यूड है वो अब निकालेंगे तो इसको अगर आपका यहाँ पे जे है जे से मल्टीप्लाई करो जे से डिवाइड करो जे इंटू जे जे स्क्वेयर दैट इज माइनस वन इसका मतलब ये जे अगर आप ऊपर लिखेंगे तो साइन आपका चेंज करना होगा आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पे जो ईटा है दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू अपॉन एबसाइलिन ठीक है और डिवाइडेड बाय ये होगा यहाँ पे वन माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा इंटू एफसाइलन इसकी पावर वन बाई टू राइट अब ये आपका रियल नंबर है और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ईटा का तो नोमिनेटर सेम रहने दो म्यू अपॉन एपसाइलन अंडर द रूट लेकिन जो आपका यहाँ पे है वन बाई टू को अगर आप छोड़ दो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वेयर अंडर द रूट तो यहाँ पे बन जाएगा दिस इज वन का स्क्वेयर प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एपसाइलिन इसका होल स्क्वेयर एंड अंडर द रूट अंडर द रूट लिखोगे और बाहर वन बाई टू भी पावर है तो होल की पावर वन बाय फोर हो जाएगा तो इसकी पावर वन बाय फोर हो जाएगा आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना मैं बता देता हूँ अगर मान लीजिए ए प्लस जे बी है इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो होगा ए स्क्यर प्लस बी स्क्र अंडर द रूट लेकिन अगर ऑलरेडी ये टर्म अंडर द रूट में है ए प्लस जे बी तो ए प्लस जे बी का लिख चुका हूँ मैग्नीट्यूड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी रूट में है तो इसका एक और रूट लेना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा दिस इज ए स्क्र प्लस बी इसकी पावर वन बाय फोर तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है तो अब आपका जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ चुका है ये है आपका इंट्रेंसिक इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका कोई ना कोई फेज एंगल भी होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक बार फिर से लिख सकते हो आप ईटा इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू अपॉन एबसाइलेंट डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर माइनस वन बाय टू हो जाएगी तो ये भी लिख लीजिए मल्टीप्लाई विद वन माइनस अपॉन ओमेगा ई और इसकी पावर माइनस वन बाय टू अब हम इसका फेज एंगल निकालना चाहते हैं फेज एंगल कैसे निकलेगा अगर कोई भी नंबर रियल है और पॉजिटिव है तो उसका फेज एंगल जीरो होगा तो यानी जो आपका थीटा एन है वो निकालना चाहते हैं म्यू अपॉन ई अंडर द रूट एक रियल नंबर है पॉजिटिव नंबर है तो इसका तो फेज एंगल जीरो आ गया मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा क्योंकि इसकी पावर माइनस वन बाय टू है तो ये माइनस वन बाय टू मल्टीप्लायर बन जाएगा और इसी के साथ यहाँ लिखा जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट तो इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस सिग्मा अपॉन ओमेगा एपसाइलेंट एंड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट डिवाइडेड बाय वन तो वन से डिवाइड करो ना करो बात एक ही रहेगी तो यहाँ पे अब जो थीटा एन है बच्चों को क्या होगा जीरो कुछ है नहीं दिस इज माइनस वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस सिग्मा ओमेगा इन टू ई टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा तो माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ थीटा हो जाएगा तो ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा तो जो थीटा एन है यानी इंट्रेंसिक इंपीडेंस का फेज एंगल वो होगा दिस इज वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ सिग्मा अपॉन ओमेगा ई फाइनली ये है आपका वो फेज एंगल जो आप निकालना चाहते थे तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रेंसिक इम्पिडेंस क्या होता है उसका फार्मूला और उसका मैग्नीट्यूड और उसका फेज एंगल इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है नेक्स्ट वीडियो में ई एम वेव्स का एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो